चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या बोला जा रहा है। ओ ए क्यू बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड ए पी बी इज ए सेमी सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। दैट मीन्स हम लोगों को ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, रफली मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले देखिए, पहला चीज जो है यहाँ पे, ये जो क्वाड्रेंट है हमारे पास, यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट क्या है, देखिए ए ए ओ बी, ठीक है ना, और ऐसे करके ये गया है क्यू। तो ये जो क्वाड्रेंट है, पहले तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, उसका फोर्थ पार्ट है ना। अगर इसको पूरा कर दिया जाए तो सर्कल बन जा रहा है, ये सर्कल का चौथा भाग है, तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये क्वाड्रेंट का कैसे निकालेगा, कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से पहले इसका एरिया निकाल देंगे, उसके बाद में ए और बी से जो लाइन गया है, तो इससे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइटेंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा और बेस हो जाएगा। तो फिर हम लोग एरिया निकाल देंगे इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पुट करके। और उसके बाद में और क्या मेंशन किया गया है कि ये जो है, फिर देखिए ये क्या बन रहा है, ये एक सीमी सर्कल बन रहा है, मतलब कि रेडियस का ए सर्कल का आधा सर्कल को सीमी सर्कल बोला जाता है। तो अब इसका भी एरिया निकालेंगे हम लोग, इसका भी एरिया निकालेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग ये क्वाड्रेंट निकाल लेंगे, उससे पहले ये जो बचा हुआ जो नहीं, ये कैसे निकलेगा, अगर ये ट्राइंगल को हम लोग हटा दे, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको अगर हम लोग हटा देते हैं क्वाड्रेंट से, तो क्या बचता है, ये वाला एरिया बचता है, ये मिल जाएगा। और फिर सीमी सर्कल हम लोग निकालेंगे, और सीमी सर्कल से अगर ये वाला पार्ट हम लोग हटा देते हैं तो फिर शेडेड रीजन मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्यू यू ए डी आर ए एन टी, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपका दिया गया है ओ ए क्यू बी, तो ये क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस यहाँ गया दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, तो ये 7 कट जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 11 आएगा और जो एरिया मिलेगा हम लोग को मिलेगा 77/2। ये क्या मिल गया हम लोग को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब हम लोग निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बेस मतलब ओ ए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, ओ ए इंटू ओ बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी आपका 7 है और ये भी आपका 7 है, क्योंकि ये आपका रेडियस है ना सर्कल का, तो दोनों आपका 7 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिला हम लोगों को, 49/2, ये क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ये जो सेगमेंट बन रहा है, ये वाला क्वाड्रेंट, ये जो है ये वाला, ये कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेगमेंट ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये क्या होगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट क्यू यू ए डी आर ए एन टी क्वाड्रेंट ओ जो ऊपर में हम लोग निकाले थे क्या था ओ ए क्यू बी ओ ए क्यू बी से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी को। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या मिला था 77/2, माइनस क्या करेंगे हम लोग 49/2, तो मिलेगा क्या हम लोगों को, यहाँ हम लोग को मिलेगा 28/2 और इसको काटने पे हमको मिलेगा 14। तो इसका एरिया कितना मिल गया, 14 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का डायमीटर जो है ए बी है। देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल का ये जो ए बी है ना, ये आपका क्या है, डायमीटर है। ये सेमी सर्कल कौन सा, ए पी बी, जो सेमी सर्कल बन रहा है देखिए ऊपर में दिया गया होगा ए पी बी इज ए सेमी सर्कल। तो अब यहाँ पे नाउ ए पी बी इज ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है सेमी सर्कल। तो इसमें क्या है, ए बी डायमीटर है। तो ए बी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालेंगे कैसे, ए बी क्या है, देखिए ए बी जो है राइट एंगल का एक हाइपोटेनियस बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये एक राइट एंगल है ना, ए बी सी डी इज ए ओ बी, ए बी सी डी नहीं, ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका ए ओ बी, ए ओ बी इज ए राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, देयर फोर ए बी इक्वल टू क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर, एक मिनट ऊपर चलते हैं एक बार, ओ ए और ओ बी, ठीक है तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक लिखे कि नहीं एक बार और चेक कर लेते हैं, ओ ए और ओ बी बिल्कुल ठीक है का रूट निकालेंगे अभी हम लोग इसको। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस ये भी आपका 7 का स्क्वायर का रूट ओवर, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 49 प्लस 49, ठीक है, और इसको हम लोग जोड़ेंगे अगर 49 और 49 को जोड़ने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 49 और 49 को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 98, ठीक है। और 98 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा 7√2 मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा 7√2 मिलेगा, ठीक है। ये निकल गया हम लोगों का एरिया ऑफ, नहीं ए मिला हम लोग को डायमीटर, क्योंकि ए बी क्या है, ए बी इज ए डायमीटर, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी इज ए डायमीटर, ए बी इज ए डायमीटर, ठीक है। सो रेडियस दैट मीन्स आर ए डी आई यू एस, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7√2/2, ये हो जाएगा रेडियस। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ए पी बी जो सेमी सर्कल है इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब कि हाफ इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आर क्या है, 7√2/2 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम काट देते हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और उसके बाद अब बाकी यहाँ मैं काटूँगा, यहाँ मिल गया हम लोग को 11/7, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्या, देखिए 7 का स्क्वायर मिलेगा 49, और रूट टू और स्क्वायर कटेगा तो ये मिल जाएगा 2, और बाय यहाँ पे
मिलेगा हम लोगों को 4। तो अब देखिए क्या कट रहा है, ये कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ पे 2। तो अब क्या वैल्यू मिला हम लोगों को, 77/2। ठीक है, क्या मिला हम लोगों को, 77/2। हाँ देखिए यहाँ पे एरिया मिल गया हम लोगों को 77/2। अब हम लोग को क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो कि आपका ए पी बी था, इससे हम लोग माइनस कर देंगे किसके, कौन सा एरिया के साथ में, एरिया ऑफ सेगमेंट सेगमेंट क्या सेगमेंट था ऊपर देख लेते हैं, आपका सेगमेंट था ए क्यू बी, ए क्यू बी। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ए पी बी कितना मिला, 77/2 और एरिया ऑफ सेगमेंट था 14। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 77-28 एलसीएम ले लेंगे हम लोग नीचे तो ऐसे, और उसके बाद में इसको हम लोग घटाएंगे तो मिलेगा 49/2। ठीक है, और बस ये हो गया, और ये एरिया में है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यू क्या में दिया गया था, सेंटीमीटर में यहाँ पे, हाँ तो देखिए मैं कहीं पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा हूँ, तो एरिया जो भी निकलता है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये निकलेगा एरिया 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।